से और लखनऊ से। सबसे पहले लखनऊ का रुख करते हैं। अर्शद, देखिए आज ईद का त्योहार, लेकिन इस बार जो लॉकडाउन है, जो कोरोना काल, उसकी वजह से लोग घरों में ही कैद होंगे। क्या देख पा रहे हैं, मस्जिदों में लोग अभी पालन कर रहे हैं, लोग घरों में ही हैं, कैसा माहौल है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए जिस तरह से शासन प्रशासन और आला अधिकारियों ने और धर्म गुरुओं ने जो ईद का त्यौहार को लेकर के लोगों से अपील की थी और खास करके उनसे कहा गया था कि आप ईद की नमाज घर में ही पढ़ें, हालांकि ये पहला इतिहास में पहला ऐसी ईद होगी जिसमें नमाज लोग घर में अदा कर रहे हैं और त्यौहार नहीं मना रहे हैं। हालांकि धर्म गुरुओं ने भी कहा कि आप गरीबों की मदद करें और ईद के त्यौहार को इस तरह से मनाएं और घर में ही नमाज अदा करें, तो उसको देखते हुए लोगों ने धर्म गुरुओं का और शासन प्रशासन का कहना भी माना है और घरों में नमाज अदा की है और मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी गई है। जी जी, मिनट का रुख करेंगे। मिनट से हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, इस बात वहां पर जो जामा मस्जिद है, वहां पर लोग नहीं इकट्ठा होंगे, एक साथ मिलकर वहां पर नमाज नहीं अदा कर पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर ईद पर आज माहौल? देखिए, ये जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये ईदगाह है और आज यहाँ पर सन्नाटा फैला हुआ है। ऐसी स्थितियाँ रहती थी, मैंने कई बार यहाँ पर कवरेज किया है ईद के दिन, चाहे वो बकरीद हो या फिर मीठी ईद हो, लेकिन ऐसी स्थितियाँ रहती थी कि यहाँ से लेकर और शहर में कई किलोमीटर तक जो लोगों की कतारें हैं वो लगी रहती थी नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन इस बार ना तो सड़क पर लोग हैं, ना गलियों में हैं और ना ही ईदगाह पर हैं, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह करीब 7 बजे जो शहरकारी हैं वो आए थे और एक रस्म अदायगी करके यहाँ से चले गए और उनके साथ भी बमुश्किल 2-3 लोग, जिनमें यहाँ के जो मुलाजिम हैं वो भी शामिल थे, उन्होंने ईद की नमाज यहाँ पर अदा की है। लेकिन जो पब्लिक के लिए ये मोनूमेंट है ये बिल्कुल बंद कर दिया गया है, 2 महीने से ये बंद है। और जहाँ तक बात करें लोगों की, तो शहर काजी ने ये कल ही अपील की थी कि सारे लोग अपने घर के अंदर रहें और वहीं से नमाज अदा करें, इसके अलावा कहीं किसी से गले मिलने नहीं जाएं, बकरी उसकी ईद की जो बधाइयां हैं वो भी घर पर रह के फ़ोन पर ही दें। और ये भी कहा है कि शहर में जो गरीब लोग हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, उनके उनको ईद की नमाज से पहले ही जो जो दान होता है वो करें, और उसकी वजह से जो सरकार है, सरकार के अलावा पुलिस प्रशासन वो चारों तरफ चौकन्ना है। स्थिति ये है कि किसी को भी बैरिकेटिंग पार करने की इजाज़त नहीं है और इसी वजह से यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। दूसरी तरफ लोगों ने ये भी समझा है कि कोरोना काल है, संक्रमण बुरी तरीके से है, मेरठ में 370 से ज़्यादा केस यहाँ पर मिल चुके हैं और जहाँ पर ये ईदगाह है यहाँ ये पूरा हॉटस्पॉट के बीच का इलाका है और ये रेड जोन में भी आता है, तो इसलिए ये प्रिकॉशन रखा गया है कि इस बार ईद की नमाज जो है सब लोग अपने घर से ही अदा करेंगे और इसीलिए यहाँ पर सूना पड़ा हुआ है, सन्नाटा पसरा है। बिल्कुल नरेंद्र, और वहाँ पर देखिए लोग इस अपील को मान भी रहे हैं जो धर्मगुरुओं से मौलानाओं से कराई जा रही है कि लोगों को समझाएं कि वो घरों में रहे, वैसे नजर आप देख पा रहे हैं मेरठ में। विवेक का रुख करेंगे, आगरा में विवेक मौजूद है। विवेक, हर जगह जो मौलाना है, जो धर्मगुरु है, वो लोगों से अपील करें कि वो घरों में रहे क्योंकि कोरोना संकट काल है, और ऐसे में आगरा में लोग कितने अवेयर और पुलिस प्रशासन कितना सतर्क दिख रहा है? देखिए, ये तस्वीरें जो है कानपुर की हैं और यहाँ पर जो है कल से ही एसपी, एसएसपी और डीएम जो है सड़कों पर उतरे हुए थे और यहाँ पर जाके जो भी चमनगंज क्षेत्र है, बेकनगंज क्षेत्र है, जो मुस्लिम इलाका है, यहाँ पर लोगों से अपील करी है कि जो भी यहाँ पर नमाज हर बार जो ईदगाह में होती थी वो नमाज इस बार पहली बार ऐसा होगा कि वो नमाज वहाँ पर नहीं अदा की जाएगी और लोग जो नमाज जो है अपने घरों में अदा करेंगे। सुबह 6:30 बजे से ही नमाज का जो है समय हो जाता है और यहाँ पर जो 9:30 बजे जो यहाँ ईद की नमाज होती थी वो अब लोग अपने अपने घरों पे पढ़ेंगे और जो ईद मिलन समारोह होता है या जो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, उसके लिए भी अपील करी गई है कि जो भी बधाइयां देनी है वो फोन पे दें ताकि मतलब ये सब समझा जाए कि ये कोरोना महामारी के चलते जो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर इस तरह के कदम उठाए गए हैं और लोगों से दूर रहने की अपील करी गई है। एक दूसरे को घर जो बुलाने का रिवाज होता था उसके लिए भी यहाँ पर मना किया गया है कि जितने भी ईद का त्यौहार है वो लोग आप आपस में फोन पे एक दूसरे को बधाई दे सकते हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए और इस महामारी से दूर रहा जाए। यहाँ कानपुर में जो महिलाओं की नमाज होती थी, रेल बाजार थाना अंतर्गत महिलाओं की भी नमाज होती थी, उस पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है कि जो भी महिलाएं हैं वो महिलाएं भी अपनी जो अपने अपने घरों में ही यहाँ पर ईद की नमाज अदा करेंगी। शिवांगी,
बिल्कुल। और देखिए कानपुर के जो हालात इस वक्त है विवेक, वो आपने बताया वहां पर कैसे लोग इस वक्त समझदारी से काम ले रहे हैं, सूझबूझ से काम ले रहे हैं। रविंद्र सुलानिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, आप शामली में क्या देख पा रहे हैं? शामली में जो लोग हैं वो किस तरीके से आज जीत का त्योहार मना रहे हैं, किस तरीके की रौनक जो हमेशा दिखती थी क्या इस बार वो फीकी दिख रही है आपको? कैसी चहलकदमी वहां पर? शिवांगी, देखिए अगर शामली की बात की जाए, देखिए ईद की जो रौनक थी वो तो पूरी तरीके से फीकी हो चुकी है, क्योंकि लोग एक दूसरे से गले नहीं मिल सकते, बधाइयां नहीं दे सकते, केवल उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फोन के माध्यम से या दूरी बना करके उनको बधाई देनी होगी। और इसके अलावा जिला प्रशासन लगातार दो दिनों से धर्मगुरुओं से अपील कर रहा था मस्जिद को जो ईदगाह थी वहां पे नमाज ना अदा की जाए, इसको लेकर के अपने समाज के अंदर जाकर के लोगों को जागरूक किया जाए। वो आज सार्थक पहल जो है जो पुलिस की थी कोरोना महामारी को लेकर के, उसका असर भी दिख रहा है। सुबह 6:30 बजे से 12 बजे तक का जो वक्त है वो रखा गया है नमाज अदा करने का, और लोग अपने घरों के अंदर रहकर के ही नमाज अदा करेंगे। यानी कि जो जिला अधिकारी जीत को एसपी विनीत जायसवाल की जो पहल थी उसका खासा असर सामने में देखने को मिल रहा है शिवांगी। और इसके साथ ही जो लोग हैं जो मिठाइयां खरीदनी थी उनकी दुकानें जो है वो नहीं लगेगी, यानी कि मिठाइयों से परहेज करना होगा। लेकिन जो ईद है, ईद की जो बधाई है वो बिल्कुल फीकी इनको जो है देनी होगी एक दूसरे को, क्योंकि पहले एक दूसरे के यहाँ मिठाई पहुंचा करके गले लग करके ईद की मुबारकबाद जब ये देते थे, लेकिन इस बार ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लॉकडाउन में कोरोना महामारी के चलते जो है एक दूसरे से गले लग करके ईद की दिली मुबारकबाद ये लोग नहीं दे सकेंगे शिवांगी। हाँ बिल्कुल रविंद्र, देखिए कोरोना संकट काल के बीच और सभी को एहतियात बरतना होगा, इसी को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और ईद का त्यौहार देखिए किस तरीके से पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसको लेकर हर एक हमारे संवाददाता ने अलग अलग जगहों से, मेरठ से, कानपुर से, लखनऊ से अपडेट भी दी है हमें। तो ईद को लेकर किस तरीके के हालात अलग अलग शहरों में, जिलों में भरे हुए हैं वो अपडेट हमने आपको बताया। आज ईद है और ईद का त्यौहार के बीच में कोरोना संकट काल भी, और ऐसे में लोग घरों में ही ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। आगे बढ़ने की खबरों